कुराली दे नेड़े पिंड फतेहगढ़ विखे करोना वायरस महामारी दे चलदियां करफ्यू दे कारण बिना बैंड बाजियां तो सादे ढंग नाल इक विआह खर्च कीता गया, जिस दौरान सिर्फ चार बंदे ही बरात विच आए सन। इस विआह दा सारा खर्चा उग्गे समाज सेवी सुखजिंदर सिंह जी वल्लों कीता गया। उग्गे लड़का ते लड़की ने एक दूजे नूं सादे तरीके नाल जयमाला पहना के गलबात करदिया कहा कि वह इस विआह तो बहुत खुश हैं। इस मौके गलबात करदिया लड़की के पिता ने कहा कि सादे ढंग नाल विआह होना बहुत चंगी गल है, भविष्य में भी होर लोगों को अजिही पिरत अपनानी चाहिए है। इस मौके गलबात करदिया उगे समाज सेवी सुजिंदर सिंह ने कहा कि इस लोड़वंद लड़की का विआह पहला नियत किया गया सी, पर कोरोना कारण इस नूं रद्द कर दिता गया ते हुण अज इस लड़की का विआह बिल्कुल सादे तरीके दे नाल कीता गया, जो कि समाज लई एक वधिया सुनेहा है। सानू आने वाले समय में भी अजिहे तरीके नाल विआह कार्ज करने चाहिए हैं, जिस नाल समाज में बढ़ रही फजूल खर्ची ते नत पाई जा सके। कुराली तो प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। लड़की का विआह हो रहा है जी, ते अज जिहड़ा सादे रीति रिवाज दे नाल विआह होया, किन्ने बंदे आए हैं विआह दे विच, की कहना चाहते हो जी? ए बंदे चार आए, मैं कहां बहुत वधिया ठीक काम है जी, ये मैं ये कहूँगा कि सानू सब वास्ते वधिया काम है जी, हुण इत्थे होनी चाहिए काम सारी। ते किहड़े पिंड तो बरात आई है, तुसीं किहड़े पिंड दे हो जी? असीं कालगढ़ दे हां जी, बरात आई है जगेड़े पिंड दे जी। ते इस विआह नूं देखदे होए तुहानूं किन्नी कु मुश्किलां दा सामना करना पिया, कि कोई परमिशन लई है की करना पिया? हां परमिशन लई है, कोई इन्ने होर नहीं पई, अपना बहुत वधिया काम हो रहा है जी। ते होर लोकां नूं की संदेश देना चाहोगे इस बीमारी नूं देखदे होए? ते इह कहिंदे सब तों वधिया जी काम इत्थे होवे चंगी गल है। असल विच विआह साडे वल्लों पहला रख्या गया सी, पर करफ्यू नूं देखदे होए ये विआह फिर बाद विच करना पिया। अज फिर लाड़ा चार बरातियां दे नाल इत्थे आ गया, ते लड़की दे परिवार वालिआं आ के दोनों ने बहुत जिहड़े कानूनां दी पालना करदे होए सादे रस्म दे नाल ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਬਰਾਤ ਮਾਂ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬਰਾਤ 'ਚ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ SDM ਸਾਹਿਬ? SDM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।